बगल में पहाड़ जो दिख रहा है प्राग्बोधि, जब वहां से वो चले थे तो इधर से होते हुए बोधि वृक्ष के पास गए, उसके पहले सुजाता का खीर खाने के बाद हाथ मुंह धोने के बाद वो संकल्प किए कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं होता है तब तक मैं इस जगह से उठूंगा नहीं। तो उसके पहले यहाँ के कुछ किसानों ने उनको कुशा ग्रास दिया था बैठने के लिए, बोधि वृक्ष के नीचे बैठने के लिए, क्योंकि उस समय ये कंफर्टेबल था, आज भी कंफर्टेबल है, लोग आज भी इसको यूज करते हैं। इसकी तीन प्रजातियां होती है जिसमें एक कुशा ग्रास होता है। तो कुशा ग्रास पे ही वो बैठ करके बुद्धत्व का प्राप्ति किए थे। तो इसीलिए जो इसको दिया था उसको कुशवाहा कहते हैं, जैसे हरवाहा होता है, चरवाहा होता है, वैसे ही जो कुश दिया था उसको कुशवाहा कहते हैं। और यही वो कुश है इस पर बैठ करके बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे। और ये कुश इस क्षेत्र में काफ़ी पाए जाते हैं, लेकिन आप ये बगल में देख रहे हैं ये कुशवाहा की ऊपरी प्रजाति है, इसको बोलते हैं सिरकी बोलते हैं, झलासी बोलते हैं, लेकिन इससे जो छोटी प्रजाति की होती है वो है कुशवाहा कुश। और इसमें उससे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और इसमें बैठने से कटता छटता नहीं है, लेकिन उस पर बैठने से कट छट जाएगा, उससे ब्लेड जैसा तीक्ष्ण होता है, हाथ निकल जाएगा, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल होता है। तो ये भगवान बुद्ध से संबंधित ये था। धन्यवाद, बधाई बच्चों की।